सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा शिमानो का रियर डिरेलर आपके लिए बेस्ट रहेगा MTB कैटेगरी में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लिए एक न्यू बाइक खरीदने जाएं या फिर अपने बाइक के डिरेलर को अपग्रेड करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा डिरेलर आपके पर्टिकुलर राइड के लिए बेस्ट है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माई नेम इज रॉय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल साइकिल राइडर रॉय में। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही जो बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए, ताकि आप भी रह सके हमेशा अपडेटेड। सो वन ऑफ द कॉमन कन्फ्यूजन जो सभी राइडर्स के साथ होता है जब वो फर्स्ट टाइम अपने बाइसाइकिल के डिरेलर को अपग्रेड करते हैं, तो वो कन्फ्यूजन होता है कि यार मुझे कौन सा डिरेलर में अपग्रेड करना चाहिए अपने पुराने डिरेलर को, या मेरे लिए कौन सा डिरेलर सबसे बेस्ट रहेगा। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड इन पर्टिकुलर हम आज बात करेंगे सिर्फ शिमानो के ही डिरेलर्स की, बिकॉज शिमानो के डिरेलर्स ऐसे हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। पर गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप वन की, जिसमें है शिमानो टर्नी। नाउ शिमानो टर्नी एक बहुत ही बेसिक डिरेलर है, ये सभी एंट्री लेवल बाइक्स में आपको देखने को मिलेंगी। जितनी भी चीप या फिर जो कम लो बजट की बाइक्स होती हैं उनमें आपको शिमानो टर्नी के ही डिरेलर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको शिमानो टर्नी, टर्नी TX या टर्नी TZ, इन तीन तरीके के डिरेलर्स आपको देखने के मिलते हैं। ये जो पर्टिकुलर डिरेलर है गाइज, ये सपोर्ट करता है 6 से लेके 7 स्पीड के फ्री व्हील को, एंड उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो ये उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। ये पर्टिकुलर डिरेलर किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप एक नॉर्मल राइड करते हो जिसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि बस आप अपने घर से लेके कॉलेज या फिर अपने घर से ऑफिस या फिर जस्ट 15 से 20 या 30 किलोमीटर की राइड अगर आप करते हो, तो उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर शिमानो टर्नी काफ़ी सही रहता है, काफ़ी लो बजट में ये रहता है, तो आप शिमानो टर्नी का इस्तेमाल बहुत ईजिली कर सकते हो। बट इनकेस अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ी स्टंट राइडिंग करोगे अपने लो बजट बाइसाइकिल में, तो ये शिमानो टर्नी उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देती है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक एंड एंट्री लेवल कंपोनेंट है। और गाइस नाउ ग्रुप नंबर 2 में जो हमारे बाइसाइकिल के डिरेलर्स हैं उसमें है शिमानो एल्टस। नाउ शिमानो एल्टस शिमानो टर्नी से एक स्टेप ऊपर है, एंड शिमानो एल्टस जो है वो आप देखोगे कि जितने भी एंट्री लेवल लो बजट या एंट्री लेवल से हायर थोड़े से सेगमेंट में जो बाइसाइकल्स होती हैं उसमें आपको शिमानो के एल्टस का डिरेलर मिल जाता है। नाउ शिमानो एल्टस के डिरेलर का जो शिफ्टिंग कैपेसिटी है वो शिमानो टर्नी से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रिसाइज एंड ईजी शिफ्टिंग इसमें आपको मिलती है। शिमानो एल्टस जो है गाइज, ये 6 स्पीड से लेके 8 स्पीड तक के फ्री व्हील एंड कैसेट को बहुत ईजिली ये सपोर्ट करता है, एंड कई बार हमने देखा है कि शिमानो एल्टस जो है वो 9 स्पीड में भी आते हैं जो 9 स्पीड के कैसेट को सपोर्ट करते हैं, बट वो भी एंट्री लेवल कंपोनेंट ही होते हैं 9 स्पीड के लिए। एंड आपको देखने को मिलेगा बहुत इजीली कि 15 से 20 हज़ार की बाइसाइकल्स में आपको शिमानो एल्टस बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं कि शिमानो एल्टस किन लोगों के लिए बेस्ट है। इनकेस अगर आप एक बाइसाइकिल खरीद रहे हो जिनका प्राइस अराउंड 15 से 20,000 के बीच में है, एंड अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा बहुत फन आप चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग में जा सकते हो, थोड़ा सा हार्ड पेडल आप कर सकते हो, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड आप अपने ड्राइव ट्रेन से करना चाहते हो, सो ऐसे राइड केसेस के लिए शिमानो एल्टस आपके लिए बेस्ट है। सो अगर आप शिमानो टर्नी यूज़ कर रहे हो तो आप शिमानो एल्टस में उसको अपग्रेड करके अपने शिफ्टिंग कैपेसिटी को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। और गाइस सो नाउ अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड ग्रुप की तरफ, जो कि हमारे 9 स्पीड डिरेलर्स। नाउ 9 स्पीड डिरेलर में शिमानो की MTB कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा शिमानो असेरा एंड शिमानो एलिवियो। शिमानो असेरा एंड शिमानो एलिवियो ये 2 एंट्री लेवल कॉम्पोनेंट है 9 स्पीड में, एंड इनकी जो शिफ्टिंग कैपेसिटी है एंड शिफ्टिंग क्वालिटी है वो पिछले शिमानो एल्टस एंड टर्नी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन टर्म्स ऑफ अगर इनके यूसेज की बात करें तो ये पर्टिकुलर डिरेलर उन सभी लोगों के लिए बेस्ट है जो क्रॉस कंट्री राइड या फिर मैराथन जैसे बाइसाइकिल राइड करना चाहते हैं। मीन्स अगर आप क्रॉस कंट्री रेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या फिर आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना चाहते हो, लाइक 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या उससे भी ऊपर, तो ऐसे राइड केसेस में आपके लिए शिमानो असेरा एंड एलिवियो जो कि 8 से लेके 9 स्पीड के डिरेलर को सपोर्ट करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, बिकॉज इनका जो स्प्रिंग होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, इनकी शिफ्टिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इनमें भी आपको 2 तरीके के वेरिएंट मिलते हैं, एक वेरिएंट जो 8 स्पीड कैसेट को सपोर्ट करता है, एंड सेकंड वेरिएंट जो 9 स्पीड कैसेट को सपोर्ट करता है। एंड इन केस अगर आप एक स्टंट राइडिंग करना चाहते हो तो शिमानो असेरा एंड एलिवियो आपके स्टंट राइडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और गाइस नाउ अभी तक हमने बात की बेसिक एंट्री लेवल एंड मिड लेवल के कॉम्पोनेंट्स की, अब बात करते हैं थोड़े हायर लेवल एंड सीरियस राइडर्स के लिए जो सीरियस कॉम्पोनेंट्स चाहते हैं। तो ग्रुप 4 में जो डिरेलर है वो है गाइस शिमानो ड्योर। नाउ शिमानो ड्योर एक काफ़ी अच्छा कॉम्पोनेंट है एंड वन ऑफ द हाइएस्ट कॉम्पोनेंट में ये माना जाता है।
इसकी कैपेसिटी एंड शिफ्टिंग क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर शिमानो ड्योर के प्राइस की बात की जाए तो इसका जो 9-speed वेरियंट है वो आपको मार्केट में अवेलेबल होगा अराउंड 3500 रुपीज़ के अंदर, एंड अगर आप 10-speed डिरेलर में जाते हो तो वो आपको मार्केट में मिलेगा तकरीबन 5500 रुपये के अंदर, मीन्स 5500 रुपीज़। नाउ अब बात करते हैं कि शिमानो ड्योर किन लोगों के लिए बेस्ट है। सो इन केस इफ़ यू आर अ क्रॉस कंट्री राइडर, ट्रेल राइडर, या फिर एंड्यूरो राइडर हो, या फिर आप ऑल माउंटेन राइडर हो जो कि काफ़ी हायर सेगमेंट माने जाते हैं MTB में, सो उन लोगों के लिए शिमानो ड्योर काफ़ी अच्छा है बिकॉज़ ये आपको काफ़ी प्रिसाइज शिफ्टिंग देता है। इसका वेट बाकी कंपोनेंट्स जो हमने पहले देखे हैं लाइक शिमानो टर्नी, शिमानो एल्टस, एलिवियो असेरा, इनके मुकाबले कम होता है, एंड इसकी जो शिफ्टिंग क्वालिटी है वो तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो ये पर्टिकुलर डिरेलर उन सभी लोगों के लिए बेस्ट है। एंड इन केस अगर आप एक स्टंट राइडर हो या स्टंट करना चाहते हो एंड चाहते हो कि आपका जो गियरिंग सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप शिमानो ड्योर ज़रूर खरीदो। ऑलराइट, नाउ बढ़ते हैं वो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, ग्रुप नंबर 5, जो कि है सीरियस MTB एथलीट्स के लिए। नाउ इस ग्रुप नंबर 5 में जो हमारे डिरेलर्स आते हैं गाइज वो है शिमानो SLX, शिमानो ड्योर XT। नाउ शिमानो SLX एक 10 से लेके 12 स्पीड का डिरेलर है एंड शिमानो ड्योर XT एक 11 से लेके 12 स्पीड का डिरेलर है। ये पर्टिकुलर डिरेलर आपको देखने को मिलेगा जितनी भी हाई एंड MTB बाइक्स होती हैं उसमें ही ये डिरेलर आपको देखने को मिलता है बिकॉज इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एंड शिमानो SLX एंड शिमानो ड्योर XT ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो लोग क्रॉस कंट्री MTB रेस करते हैं प्रोफेशनली। शिमानो SLX एंड शिमानो ड्योर XT जो कंपोनेंट है ये जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं ये मोस्टली यूज होते हैं क्रॉस कंट्री बाइक्स में, एंड्यूरो बाइक्स में, ट्रेल बाइक्स में, या फिर ऑल माउंटेन जो बाइक्स होती हैं काफ़ी हाई एंड लाइक फुल सस्पेंशन बाइक्स एंड ऑल, उनमें ये कंपोनेंट आपको बहुत इजीली देखने को मिलेगा। जितने भी लो एंड बाइक्स होती हैं उसमें ये कंपोनेंट आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इन पर्टिकुलर पार्ट्स की ही कीमत उन बाइक्स के बराबर होती है, इसीलिए ये जो पार्ट्स होते हैं ये सारे हाई एंड बाइक्स में आपको देखने को मिलते हैं। इनकेस अगर आप अपने 9-speed बाइक को अपग्रेड करना चाहते हो 10 से 11-speed में तो आपके लिए शिमानो SLX या ड्योर XT काफ़ी बेटर है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा प्रिसाइज शिफ्टिंग आपको देगा एंड आपकी बाइक भी देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और बढ़ते हैं हमारे ग्रुप नंबर 6 की तरफ, जो कि है शिमानो का टॉप लेवल कंपोनेंट, जी हाँ, नन अदर देन शिमानो XTR। नाउ शिमानो XTR शिमानो का टॉप लेवल कंपोनेंट है, ये दो वेरिएंट में आपको मिलता है, मैकेनिकल डिरेलर एंड साथ ही साथ DI2 जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिरेलर है। ये आपको सिर्फ उन्हीं बाइक्स में देखने को मिलेगा जिनकी प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लाइक 1 से 2 लाख के बीच या उससे भी ऊपर की जितनी बाइक्स होती हैं उसमें ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। जितने भी प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं जो क्रॉस कंट्री रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो ऑफ रोड ट्रेल राइड करते हैं, एंड्यूरो राइड करते हैं या फिर ऑल माउंटेन राइड करते हैं, उन लोगों के लिए शिमानो XTR इज़ वन ऑफ द टॉप चॉइस बिकॉज ये जो डिरेलर है ये 12 स्पीड को सपोर्ट करता है एंड काफ़ी प्रिसाइज इसकी शिफ्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है ये डिरेलर, तो ये ओवरऑल बाइक के वेट को भी काफ़ी कम रखता है एंड उसी के साथ साथ इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इन केस इफ़ यू आर समवन जो चाहता है कि अपने बाइक में वन ऑफ द टॉप लेवल कंपोनेंट लगाने को, सो आप डेफिनेटली शिमानो XTR को खरीद सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रुप 7 में जो हमारे पास डिरेलर है वो है शिमानो सेंट एंड शिमानो जी। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनहिल बाइक्स एंड फ्री राइड बाइक्स जो होती है उनमें ही देखने को मिलता है बिकॉज ये पर्टिकुलर कंपोनेंट उन्हीं बाइक्स के लिए बनाए गए हैं ताकि उनको हाईएस्ट डिमांड में भी प्रिसाइज शिफ्टिंग मिल सके बिकॉज डाउनहिल राइडर्स जो होते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि कितना फास्ट राइड करते हैं एंड ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं इनकी डिज़ाइनिंग भी इस तरीके से है ताकि वो डाउनहिल बाइक्स के छोटे कैसेट को सपोर्ट कर सके एंड उनको काफ़ी हाई एंड एंड प्रिसाइज शिफ्टिंग प्रोवाइड कर सके। सो इन केस अगर आप इन फ्यूचर अपने लिए एक डाउनहिल बाइक बनाना चाहते हो तो आपके लिए शिमानो सेंट एंड शिमानो जी से परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप कौन से डिरेलर से अपने बाइक को अपग्रेड करना चाहोगे इन फ्यूचर में। मैं तो डेफिनेटली एक बार शिमानो SLX को ट्राई करना चाहूँगा बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। आपको कौन सा डिरेलर अच्छा लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानना चाहूँगा। पर गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर करके जाओ यार, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड इन केस अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो या मेरे रिगार्डिंग और भी अपडेट्स को पाना चाहते हो, मेरे को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरी ID है साइकिल राइडर रॉय। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।